The first chapter was noun. Noun. Second chapter is pronoun. Just मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके ये जो वर्ड है ना प्रोनाउन, इसमें नाउन छिपा हुआ है. ओके इस वर्ड प्रोनाउन में नाउन ऑलरेडी छिपा हुआ है. तो एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, याद कर लेना इसको. दैट नाउन एक तो दो वर्ड इसमें हो गए. पहला वर्ड क्या है? प्रो. पहला वर्ड क्या है? प्रो. दूसरा वर्ड क्या है? नाउन. प्रो का मतलब याद कर लेना, ऐसा होता नहीं है लेकिन प्रो का मतलब याद कर लेना. इंस्टीड ऑफ व्हाट? इंस्टीड ऑफ. प्रो मींस नॉन इट प्रोनाउन. प्रो मींस इंस्टीड ऑफ. प्रो मींस इंस्टीड ऑफ. इंस्टीड ऑफ मींस के बदले में. व्हाट इज दैट? के बदले में. प्रो का मतलब के बदले में. इंस्टीड ऑफ. प्रो मींस इंस्टीड ऑफ. प्रो मींस इंस्टीड ऑफ. इंस्टीड ऑफ और प्रो का मतलब के बदले में. और नाउन का मतलब तो पता ही आप लोगों को. नाउन राइट संज्ञा है ना. तो प्रोनाउन क्या हो गया? व्हाट इज प्रोनाउन? इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन दैट नाउन टाइम्स फॉर वर्ड. यस ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में यूज किया जा रहा हो उसे क्या बोलोगे आप? दैट इज लाइक प्रोनाउन. द वर्ड व्हिच यू आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड द वर्ड. द वर्ड व्हिच इज यूज्ड द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन इज द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन ऑफ नाउन ऑफ नाउन्स दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. Is called the words which are used instead of nouns that is called are called pronouns. Pronouns. वैसे शब्द जिसका प्रयोग नाउन के बदले में, संज्ञा के बदले में किया जाए उसे क्या बोलोगे आप? प्रोनाउन बोलोगे. वैसे शब्द जिसका यूज आप संज्ञा के बदले में करोगे उसे सर्वनाम या प्रोनाउन बोलोगे. ओके एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक अभिनंदन. अभिनंदन रोज क्लास आता है. राइट अभिनंदन रोज क्लास आता है. वह होमवर्क भी अपना पूरा कर लेता है. तो अभिनंदन के जगह पे मैंने क्या यूज किया? वह ही. तो ही क्या हो गया? पुरुणा. यस राइट. शांति सुमन. शांति सुमन सोनल मुरली अभिनंदन संकल्प प्रीति मनीषा कुणाल आप सभी लोग क्लासेस रोज करने आते हैं. तो इन सारे नाम के बदले मैंने क्या यूज किया? आप सभी. राइट तो इंग्लिश क्या हो गया ना? यू. यू क्या हो गया? प्रोनाउन. yes. है ना. yes. आप कभी घर पर हो, अकेले हो रात में, घर पर अकेले हो, रात के 10 बज रहे हैं और कोई दरवाजे पे क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है. क्या करोगे आप? कुछ लोग जो है राइट वो कंबल ओढ़ रहे हैं. राइट ओके कुछ लोग या आप सपोज करो कि अभिनंदन पूछता है कौन है. yes. इंग्लिश में क्या पूछेगा? Who is there? Yes, राइट हु इज देयर. ओके हु आर यू? हु इज देयर? जिसे पूछेगा हु इज देयर सामने से बोलता है पापा हो खोलो दरवाजा. राइट सामने से आवाज आई पापा की खोलो दरवाजा. तो कौन निकले? पापा. आपने पापा के वर्ड के जवाब पे क्या यूज किया था? हु. कौन है? हु. तो हु क्या हो गया? प्रोनाउन. प्रोनाउन राइट. और इसी तरह से इन द सेम मैनर ईच दैट सीटीसी दिस ऑल आर प्रोनाउंस. अलग अलग ग्रामेरियंस जो है ना वो अलग अलग बात बताते हैं. कुछ ग्रामेरियन आपको बताएंगे कि प्रोनाउन 6 प्रकार का होता है स्पेशली हिंदी में. राइट प्रोनाउन 6 टाइम्स आर देयर ऑफ प्रोनाउंस. राइट 6 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं. कुछ ग्रामेरियंस बताते हैं कि प्रोनाउंस जो आपका है वो 8 टाइम्स है. हमने कितने टाइम्स आ देयर?
एट काइंड्स आर देयर. वही कुछ अदर ग्रामरियंस बोलते हैं नाइन काइंड्स, कुछ दूसरे ग्रामरियंस उसको लिखते हैं टेन काइंड्स. राइट, हम लोग नाइन काइंड्स पढ़ेंगे. हाउ मेनी? नाइन काइंड्स. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ मेनी काइंड्स? नाइन काइंड्स. सो देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस? नाइन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर नाइन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. There are nine kinds of pronouns. Number one is there, personal pronoun. What is that? Personal pronoun. Personal pronoun is what? Personal pronoun का मतलब क्या होता है? ध्यान देना. और एक 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 word याद कर लो, मैं याद करवा रहा हूं. P for proper. P for proper. Use. Speak now. P for proper. 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 P for personal. 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 So proper nouns. Proper. नाउंस के बदले में जो वर्ड का यूज करोगे उसे बोलोगे पर्सनल प्रोनाउंस. क्या बोलोगे? पर्सनल प्रोनाउंस. प्रॉपर नाउंस के जगह पर, प्रॉपर नाउंस के बदले में जिन शब्दों का यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल. सो समझ आया डेफिनेशन? मुझे लिखने की जरूरत है. द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रॉपर नाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, है ना? सो पर्सनल प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? जो वर्ड्स प्रॉपर नाउंस के जगह पर यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नाउंस. समझ में आ गया? ओके. पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल ले लो. लेट्स हैव एग्जाम्पल. शांति बहुत ही तेज लड़की है. यस. राइट. शी इज अ शार्प, तेज का दिमाग से होता है. ओके. शी इज अ शार्प माइंडेड गर्ल. राइट. तो शांति की जगह पे मैंने क्या यूज किया? शी. राइट. तो शी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. जो कि शांति क्या है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन पता है ना? यस सर. ओके. इसी तरह से अगर ये बोलना हो अभिनंदन, यस, तुम रोज आईडी कार्ड लेकर के आया करो. राइट. तो अभिनंदन, तुम अभिनंदन की जगह मैंने क्या किया? तुम या आप, है ना? तो अभिनंदन यू. राइट. तो यू क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. क्योंकि वो प्रॉपर नाउन अभिनंदन के जगह पे यूज हो रहा है. यस सर. ओके. तो शी, यू, ही, ये सारे क्या हो गए? फर्स्ट प्रोनाउन हो गए. राइट. राइट डाउन फर्स्ट प्रोनाउन को नंबर और पर्सन के अनुसार. यस सर. नंबर यू अंडरस्टैंड? यस. मीन्स संख्या. नंबर मीन्स संख्या. पर्सन मीन्स फर्स्ट. राइट. पर्सन और नंबर के अनुसार तीन भागों में बांटा गया. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. पहला तो ये जान लो दैट पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन हैज हाउ मेनी काइंड्स? थ्री काइंड्स. थ्री काइंड्स. अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन हैज हाउ मेनी काइंड्स? थ्री काइंड्स. थ्री काइंड्स. पहला तो हो गया फर्स्ट पर्सन. व्हाट इज दैट? फर्स्ट पर्सन.
on who was speaking. Second is there, दूसरा हो गया second person, और तीसरा हो गया third person. Third person. तो पर्सन के अनुसार अकॉर्डिंग टू पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं. राइट, फर्स्ट पर्सन हू स्पीक, वन हू स्पीक्स, आई, वन हू स्पीक्स, जो बोलता है. यस सर. राइट, स्पीकर को, बोलने वाले को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. यस, ठीक है. सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, वन हू हियर्स. यस, सुनने वाले. राइट, सुनने वाले को. यस. राइट, वन हू हियर्स, वन हू लिसेंस, वन हू हियर्स और वन हू लिसेंस. ये हियर में और लिसन में क्या अंतर है उसका भी वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हो. राइट, तो वन हू हियर्स और वन हू लिसन्स मतलब जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन. लाइक मैं अभी बोल रहा हूं, सुमन कैसे हो तुम बेटा, तो मैंने बोला, मैंने पूछा सुमन तुम बेटा तुम कैसे हो. yes. तो मैंने बोला तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन. वो सुन रही है तो वो क्या होगी, सेकंड पर्सन हो गई. राइट, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ रहे हो, आप सभी लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन. और मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन. राइट, तो सेकंड पर्सन वन हू हियर्स, वन हू लिसन्स, जो सुनता है या हाँ जो सुनता है उसे क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ना जो बोल, जो ना बोलने वाला होता है और ना सुनने वाला होता है. राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो हमारे सामने नहीं है, या जो हमारे सामने है भी लेकिन हम उसको नहीं बोल रहे. राइट, लाइक मैं मनीषा को बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बहन प्रीति जो है ना वो अच्छा पढ़ती है, पढ़ने में अच्छी है. राइट, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, मनीषा को बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बहन अच्छा पढ़ती है. राइट, वो पढ़ने में अच्छी है. तो मैं हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन. मनीषा क्या हो गई, सेकंड पर्सन, क्योंकि वही सुन रही है. तो मनीषा हो गई सेकंड पर्सन, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन. तो हु, वन, हु, वी टॉक अबाउट. हम जिसके बारे में बात करते हैं, राइट, उसे क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे. राइट, जिसके बारे में बात करते हैं. ओके, लुक, कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड पर्सन केवल आदमी ही होगा, जरूरी नहीं है, वस्तु भी हो सकता है. राइट, अभी कॉलेज बंद है, खुला हुआ है, कॉलेज खुली हुई है अभी, कॉलेज खुली हुई है. तो कॉलेज क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया. कॉलेज आदमी है क्या, नहीं, लेकिन वो थर्ड पर्सन है. राइट, उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है. वेल, तो ये हो गए कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं. किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अनुसार तीन प्रकार होते हैं, और नंबर के अनुसार दो प्रकार के होते हैं. अकॉर्डिंग टू नंबर टू काइंड आर देयर. राइट, एक काइंड क्या हो गया, सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर. दूसरा काइंड क्या हो गया, प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल. तीनों ही पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होंगे, तीनों पर्सन में. राइट, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई. बात करने वाला आई है ना. आई का मतलब क्या होता है, मैं. राइट, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वी. वी का मतलब क्या हुआ, हम लोग. वी मींस हम लोग. राइट, उसी तरह से सेकंड पर्सन मतलब कौन सा हुआ, क्यों, सुनने वाला. सेकंड पर्सन सुनने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला जो होता है उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, यू. यू मींस तुम या
आप यस सर तुम या आप और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा यू फॉर्म वही रहता है इंग्लिश में वही फॉर्म होते हैं यू का यू ही होगा लेकिन हिंदी थोड़ा चेंज हो जाएगा वो क्या बन जाएगा तुम लोग या आप लोग तुम लोग या आप लोग राइट उसी तरह से थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं राइट जो ना बोलने वाला होता है ना सुनने वाला होता है कभी कभी सुनने वाला होता है लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं ओके कभी कभी सुनने वाला होता है लाइक सपोज कर लो यहाँ पे सुमन भी बैठी है यहाँ पे अभिनंदन भी बैठा है राइट तो मैं अभिनंदन से सुमन के बारे में बात कर रहा हूं तो सुमन क्या हो गया थर्ड पर्सन हो गई और अभिनंदन सेकंड पर्सन हो गई राइट हालांकि सुमन भी रही समझ में आ रहा है यस सर तो जिसके बारे में बात करें वो क्या कहलाएगा थर्ड पर्सन और इसमें क्या क्या आते हैं ही और शी और इट ही मींस क्या होता है वह किसके लिए वह हो गया मेल के लिए या मस्क्यूलिन बोलते हैं ना क्या बोलते हैं मस्क्यूलिन मतलब मेल को मस्क्यूलिन बोलते हैं ना मतलब क्या हो गया पुलिंग राइट तो एम से क्या हो गया मस्क्यूलिन व्हाट इज दैट मस्क्यूलिन या इसे आप मेल भी मान लो शी हो गया वह प्रोनाउंसिएशन क्या है शी शी क्या है शी ये सी नहीं है ये सी है व्हाट इज द सी 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 क्या ये सी सी लिख लीजिए क्या शी 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 राइट शी शाम शी शाम 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 ऐसे लिखते हैं ना ये शाम है क्या है शाम सुबह सुबह राइट सुबह वो दंत सा वाला सुबह हो गया yes. और ये तालव श श तो श श सी राइट ओके जब yes. तालु से उसका उच्चारण करोगे तो श होगा श yes. इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे च छ ज झ श बोलो च छ ज झ श फिर से बोलो च छ ज झ श राइट लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस साथी तो किससे करेंगे ता था द धा सा 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 ता था है ना तो दांत से उसकी उच्चारण हुआ जा रहा है राइट इसीलिए उसे दंत सा बोलते हैं और सा पढ़ते हैं सा मूल से इट इज सी व्हाट इज इट सी बट ये क्या शी शी व्हाट इज दिस शी शी व्हाट इज इट शी राइट तो ये शी जो हुआ वह वह किसके लिए है फेमिनिन के लिए फेमिनिन फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग यस उसे आप फीमेल भी कह सकते हो राइट तो शी फॉर गर्ल्स फॉर फेमिनिन राइट फॉर फीमेल ही फॉर मेल मस्क्यूलिन और जो इट हो गया इट ये किसके लिए हो जाएगा ये हम लोग न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज करते हैं न्यूट्रल जेंडर जो ना स्त्रीलिंग होता हो ना पुलिंग होता या फिर हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं फेमिनिन के लिए भी और मस्कुलिन के लिए भी राइट फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी यूज करते हैं ओके अगर बोलना हो सुमन एक लड़की है तो इंग्लिश क्या बोलोगे सुमन इज अ गर्ल सुमन इज अ गर्ल अभिनंदन एक लड़का है इंग्लिश क्या बोलोगे अभिनंदन इज अ बॉय अगर लेकिन यही बोलना हो सुमन के जगह पे प्रोनाउन क्या यूज करोगे आप लोग सी शी है ना तो आप बोलोगे शी क्या है शी इज अ गर्ल शी इज अ गर्ल ही इज अ बॉय इज अ बॉय इज नॉट बॉय बॉय नहीं होता है वो लाइट बॉय वाला जो है ना बी यू ओ वाई वो बॉय होता है ठीक है इसे क्या बोलेंगे बॉय बॉय क्या बोलेंगे बॉय बॉय प्रोनाउंस द वर्ड बॉय व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन बॉय बॉय ठीक है यस इज अ
boy. She is a girl. ये सेंटेंस सही है ना? नहीं, गलत है. This sentence is wrong. ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे क्योंकि she का मतलब होता ही ना वो लड़कियों के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए. तो गर्ल लिखने की जरूरत ही नहीं है. आप बोल सकते हो शी इज अ डॉक्टर. आप बोल सकते हो शी इज अ बिजनेस वुमन. आप बोल सकते हो शी इज अ स्टूडेंट. लेकिन कभी भी नहीं बोल सकते हो शी इज अ गर्ल. आप कभी नहीं बोल सकते हैं ही इज अ बॉय. आप बोल सकते हैं ही इज एन ऑक्सब्रिजियन. ही इज एन ऑक्सब्रिजियन. बट आप ये नहीं कह सकते ही इज अ बॉय. क्या बोलना पड़ेगा? इट इज अ गर्ल. क्या बोलना पड़ेगा? इट इज अ बॉय. राइट? तो इट इज अ बॉय, इट इज अ गर्ल, ये सेंटेंस सही होगा. शी इज अ गर्ल, सी इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे. राइट? वेल, तो इट का यूज हम लोग न्यूट्रल जेंडर के लिए करते हैं या फिर दोनों के लिए भी कर सकते हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन. राइट? और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? दे. What is the plural? They means? वे लोग. दे means? वे लोग. दे means? वे लोग. ये किसका प्लूरल हो गया? ही का भी प्लूरल हो गया, शी का भी प्लूरल हो गया, इट का भी प्लूरल हो गया. या फिर तीनों अगर एक ही जगह में हो तो भी तीनों का प्लूरल हो गया. राइट? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अभिनंदन अपने चार दोस्तों के साथ में जंगल गया. राइट? वहां उन लोगों ने शेर देखा. राइट? तो उन लोगों ने, इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे सॉ अ लायन. राइट? अगर मैं ये बोलूं कि अभिनंदन चार दोस्त लड़के थे, वहां पे एक सुमन भी थी, शांति भी थी, मुरली भी था, संकल्प भी था. राइट? तो ये चार दोस्त हो गए, लड़कियां भी हो गई, लड़के भी हो गए, मतलब फेमिनिन भी है और मस्कुलिन भी है. तो भी उसका प्लूरल दे हो जाएगा. ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि जानवरों का नाम ले लो कुछ, है ना, कि कुछ जानवर है वहां पे, एक्स वाई जेड कुछ भी, बफेलो हो गए, काउ हो गया, डॉग हो गया, और वे सारे के सारे शांत बैठे हैं, तो वहां भी आप दे का यूज करो. क्लियर? समझ में आ रहा है? वेल, तो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू पर्सन कितने प्रकार के हो गए? थ्री काइंड. नंबर वन फर्स्ट पर्सन, नंबर टू सेकेंड पर्सन, नंबर थ्री थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? स्पीक्स, वन हू स्पीक्स, बोलने वाले को, स्पीकर को बोलेंगे. सेकेंड पर्सन किसको बोलेंगे? हियर्स. राइट? सुनने वाले को, लिसनर्स को बोलेंगे. थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? वी टॉक अबाउट, उसके बारे में लोग बातचीत करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन. और सिंगुलर ये तीनों हो गए, आई यू वी शी इट. ये क्या हो गए? सिंगुलर. और प्लूरल क्या हो गए? वी यू दे. हालांकि ये तीनों हमेशा ही प्लूरल होगा, लेकिन इसमें यू को भी ले आते हैं. जो सिंगुलर लिखा हुआ है ना, जब भी सेंटेंस बनाओगे तो ये यू जो लिखा हुआ है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, राइट, उसे भी प्लूरल में ही हमेशा लिखते हैं. इसे क्या माना जाता है? प्लूरल. क्यों? क्योंकि हिंदी में समझ में आता है ना कि मैं बोल रहा हूं आप या आप लोग. Yes. मैं बोल रहा तुम या तुम लोग. लेकिन यू से समझ में नहीं आता है कि वो एक आदमी है या अनेक आदमी है. इसीलिए इसको हमेशा हम प्लूरल ही मानते हैं. ठीक है? ध्यान देना आप लोग, आई के साथ में एम लगता है या इज लगता है या आर लगता है? एम लगाते हैं. ठीक है? ही के साथ में एम लगाओगे या इज लगाओगे या आर लगाओगे? इज लगता है. यू के साथ में एम लगाओगे या इज लगाओगे या आर लगाओगे? आर लगता है, है ना? तो ये हमेशा फाइनल है कि यू हमेशा आर लेता है. ठीक है? तो ये हमेशा प्लूरल ही मान ले. ठीक है? आई के साथ में सिंगुलर लगता है. देखिए, सिंगुलर एम भी है और इज भी है. राइट? एम भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है. तो हमें ध्यान क्या देना होगा कि कौन सा पर्सन का सब्जेक्ट है. तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन.
तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर का जो वर्ब होता है वो एम होता है, इज नहीं, इसलिए एम लगाते हैं। ये इसको हम क्लियरली सरल भाषा में इन अ वेरी इजी मैनर आई विल टीच यू जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा। यस सर, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। नाउ वी विल रीड फर्दर नेक्स्ट। यस राइट, हाँ, क्वेश्चन इज दिस, what person plural number there is his or her is also used. Third person singular number plural, में plural number में यहाँ पे his और her लगाते हैं। बेटा his और her जो होते हैं ना वो adjectives होते हैं, वो pronoun नहीं होते। Right, they are adjectives. वो मैं adjective chapter जो पढ़ाऊँगा तो then I'll clear. Okay. Yes.